We were doing hybridization. So, beta, I have taken the example of methane for you. After you have attended an online class. We have started with the example of methane. Okay. अगर वेलेंस शेल की बात करें तो सेंट्रल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ हाफ फिल्ड, देयर आर ओनली टू, है ना? तो इसको दो बॉन्ड बनाने चाहिए. बट वी नो, अगर हम मिथेन की एग्जांपल करें या किसी भी कार्बन कंपाउंड यू हैव डन इन क्लास 10th, तो आप कितने बॉन्ड बनाते हो? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंसी होती है इसकी. ये ऐसा क्यों होता है बेटे? एक इलेक्ट्रॉन पहले तो यहाँ पे आके एक्साइट कर देता है, ठीक है? दिस वन इलेक्ट्रॉन विल गो एंड एक्साइट इन नेक्स्ट रो. दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. अब सी, एस इज स्फेरिकल, पी इज डंबल. पता है एस की शेप क्या होती है? व्हाट इज द शेप ऑफ एस? व्हाट इज द शेप ऑफ पी? कौन सी है? नीचे करो मार्क्स पढ़ा. पॉली क्या होती है? पॉली क्या होती है? इट इज अ डंबल. एस की ऐसी होती है बेटे, पी की डंबल होती है ऐसे. ये पी एक्स है मान लो, ये पी वाई है, ये पी जेड है. ये एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, ये वाई एक्सिस की तरफ, ये जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है? अब जब हमने एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी करी और मिथेन का स्ट्रक्चर देखा या कोई भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखा, समझो पहले, देन पॉइंट्स लिखना. ये जो लिखने की आते हैं ना, इन्होंने आपको खराब किया हुआ है. पहले समझा करो, फिर मैं डिक्टेट करवाने वाला काम आपको करवाऊंगी, ठीक है? जब आपने बेटे ये स्ट्रक्चर देखा तो आपको ये स्फेरिकल शेप का कोई नजर नहीं आया ऑर्बिट, ना ये डंबल शेप के नजर है, ठीक? एस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कम होती है. और वह प्रिंसिपल ने आपने किया हुआ है कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं. और ओबाव को और एंटरटेन करने के लिए हमने बोर बेरिज रूल बनाया. फैन बंद कर दो, फैन भी कर दो बेटे, क्लास में आवाज गूंज रही है आपके. क्लास इज एम्प्टी, एक फ्रंट वाला आप पीछे बैठ गए. सही है. तो जब आपने फीलिंग करी तो आपको पता है कि 2s की एनर्जी कम है, 2p की स्लाइट एनर्जी ज्यादा, ठीक है? इसकी कम एनर्जी होती है, इसकी ज्यादा एनर्जी होती है कि नहीं होती है? मगर ये सेम शेल को बिलोंग करते हैं. शेल तो वही है, एस टू, टू एस टू पी. अब ये सब मिक्स करेंगे, इट विल मिक्स. व्हाई मिक्स? टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, कि सबकी एनर्जी एक जैसी बन जाए. अगर एक स्फेरिकल है, एक डंबल है, तो सबकी शेप भी एक जैसी हो जाए, ठीक है? I have given the example yesterday. मान लो S रेड कलर का है, P व्हाइट कलर का है, तो ये मिक्स होके क्या देंगे आपको? पिंक कलर देंगे. तो आप उसके बाद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा S है कौन सा P है, नहीं कर पाओगे. तो वही जब हमने बॉन्ड स्टडी करे तो सारे के सारे बॉन्ड हमें एक जैसे आए, क्योंकि सबकी एनर्जी और सबकी शेप, सबका साइज एक जैसा हो गया. अब कितने ऑर्बिटल हैं टोटल बेटे? 1, 2, 3,
फोर ऑर्बिटल्स हैं ऑर्बिटल्स, तो फोर ही ऑर्बिटल मिक्स होंगे। कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे? फोर। जब फोर ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपको फोर न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सेम बनाए हम, ठीक है। जब फोर मिक्स होंगे तो फोर ही आप न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक। पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आई विल स्टैंड लाइक दिस, आप पीछे बैठो, पीछे बैठ जाओ, मैं इनको आवाज नहीं क्लियर आती। इनको कहते हैं इको करते हैं, इको। ठीक, तो फोर न्यू ऑर्बिटल्स मिले आपको। अब इन ऑर्बिटल में क्या खासियत थी? ये सारे ऑर्बिटल सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, सेम एनर्जी के हैं, और ये ऑर्बिटल मेन थे, ये मिक्सिंग से जो बने हैं, ये क्या बने हैं? हाइब्रिड ऑर्बिट। जितने ऑर्बिट अंडरगो करे हैं हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिट बने बने। अगर चार अंडरगो करे हैं एक एस का, तीन पी के, तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिट मिले आपको, ठीक है। और इस, क्योंकि तीन चार मिले कौन कौन से? एक एस का, थ्री पी के, इसे बोलेंगे हम एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो इट इज नोन एज एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। अब इन ऑर्बिट में क्या खासियत है? अगर उनको ध्यान से देखो, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, एनर्जी भी इनकी सेम होगी, और इनमें एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा। सब बिग लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, स्मॉल लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। जब हमने बीबीटी स्टार्ट करी तो हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जब पढ़ी, तब ने किया था कि हाफ फिल्ड एनर्जी ऑर्बिट ओवरलैप करते हैं, करते हैं बोला था। हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि हाफ फिल्ड ही हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन फुली फिल्ड भी जा सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन हम देखें, हम विल सी फर्दर आल्सो, तो नाइट्रोजन होती है 2s2 2p3, तो ये एक फुली फिल्ड है, तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन जा सकता है। इसका एक एस का आगे जाके जंप नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास 2d नहीं है, इट कांट जंप, ठीक है। सो ये भी हाइब्रिडाइजेशन जा सकता है, मतलब फुली फिल्ड भी हाइब्रिडाइजेशन जा सकते हैं, हाफ फिल्ड भी जा सकते हैं। उसके अलावा एक्साइटेशन हमने करवाई थी यहां पे, जरूरी नहीं है कि एक्साइटेशन हो, विदाउट एक्साइटेशन भी हाइब्रिडाइजेशन जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मेन मकसद है कि जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिट हैं उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो और सब एक ही एनर्जी के बन जाएं, सबका साइज भी सेम हो, सबकी शेप भी सेम। समझ आ रही है? उसके बाद अब जब ये कार्बन हाइब्रिडाइजेशन चला जाएगा और चार नए ऑर्बिट बनेंगे, ये चार नए ऑर्बिट अपने आप को कितनी एंगल पे रखेंगे? वही हमने किया 109.28 मिनट्स, जो कि टेट्राहाइड्रल एंगल है, और फिर वो चार हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है। अब यू विल राइट डाउन द पॉइंट्स, जस्ट राइट डाउन एंड देन वी विल टेक ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल एंड आई विल एक्सप्लेन यू डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। राइट द पॉइंट, ऑर्बिटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। ये नहीं है कि एक आप 2s का ले लो और एक आप 4s का ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, जैसे 2s 2p ले लिया, ठीक है, ऐसी एनर्जी सेम होनी चाहिए। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट
इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिट ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। देखो ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4, तो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स भी कितने थे, 4। ठीक, राइट डाउन बोथ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, बोथ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। ये प्रमोशन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट जाए। हाइब्रिड ऑर्बिट ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं दे हैव इक्विवेलेंट एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। A hybrid orbital, as you can see here, consists of big lobe and small lobe. And a hybrid orbital consists of big lobe and a small lobe. Big lobe signifies the high electron density. Hybridization doesn't occur in isolated atom. Hybridization doesn't occur in isolated atom. It occurs only when there is bond formation. It occurs only when there is bond formation. Hybrid orbitals form effective and stronger bonds than unhybridized orbitals. Next, type of hybridization tells the geometry of the molecule. And as in the Sapir-Whorf theory, the orbitals remain far apart to avoid electron-electron repulsion. So in this also orbital will remain far apart to avoid electron-electron repulsion. Now let us start with a different type of hybridization. The first is beta sp3, which we have already discussing. Okay? So let me take from sp. Where is the dust? SP से start होता है, जैसे आप Sapir में पढ़ते हो, first molecule आप कौन सा करते हो? Whorf theory में BeF2 पढ़ा आपने, beryllium difluoride पढ़ा, linear shape थी। अब इसको VBT कैसे explain करेगी? First is SP hybridization, BE बेटे,
बीई क्या होती है? टू एस टू, बीई इज टू एस टू. नाउ दिस टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग हियर इन टू एस टू. दिस इज अ ग्राउंड स्टेट. ठीक, यू कैन गो देयर, इट विल बी मोर विजिबल. इट इज विजिबल टू यू बोथ ऑफ यू. यहाँ पे बीच में ये आएगा. नाउ टू एस, ये सिंगल है और ये एक्साइटेड स्टेट विल बी टू एस एंड टू पी. सो इट विल बी टू एस वन टू पी वन है. टू एस वन टू पी वन. एस की शेप क्या है, पी की क्या है, डंबल. अब इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन. तो कितने हैं, एक स्फेरिकल है और एक क्या है, डंबल. ये क्या होंगे आपस में, मिक्स. तो आपको दो न्यू ऑर्बिट मिलेंगे. तो दोनों की शेप क्या होगी, एक लॉब बड़ा एक छोटा. कौन कौन से ऑर्बिट गए, एस और पी के. इसको बोलोगे बेटे एस पी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, स्मॉल लोब सिग्निफिकेंस, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब ये लोग बेरिलियम के अराउंड आपने यहां को कैसे अरेंज करेंगे, ये बड़ा वाला लोब बाहर की तरफ जाएगा और छोटा वाला अंदर. बड़ा वाला बाहर की तरफ और छोटा वाला अंदर. ठीक, इन दोनों लोब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये लोब इतनी दूरी पे रहे, कितनी, 180. और इसके अराउंड बेटे अगर मैं फ्लोरीन बनाऊं तो दिस इज फ्लोरीन. सेंट्रल एटम अकेला हाइब्रिडाइजेशन जा रहा है, जो साइड पे फ्लोरीन लगा है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं जा रहा. तो ये शेप क्या होगी, बी ई, ये क्या है, एफ, ये क्या है, एफ. द शेप विल बी अगेन लीनियर. कोई भी मॉलिक्यूल जो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा उसकी शेप क्या आएगी, लीनियर. समझ आई, कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड, द शेप विल बी लीनियर. व्हाट द पॉइंट, नेक्स्ट यू हैव टेकन BeF3. Now let us do sp2 hybridization. We have done sp. sp में क्या है, एक s का एक p के. ठीक, अब let me take example of BF3. Central में क्या है इसके, boron. Boron की electronic configuration क्या होती है, तो ग्राउंड स्टेट इसको कहते हैं. बोरोन इन द ग्राउंड स्टेट विल बी 2s2 2p1. ठीक, इट इज 2s2 2p1. अब इसने कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटे, थ्री. हमें कितना हाफ इन नजर आ रहा है, वन. तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाके यहां पे क्या हो जाएगा, एक्साइट. यहां पे जाके यहां पे क्या हो जाएगा, एक्साइट. तो यू विल गेट 2s1 एंड 2p2. नाउ s इज स्फेरिकल, p इज डंबल. हाउ मेनी p आर देयर, 2p आर देयर. तो ये क्या है बेटे, sp2. तो एक s का मिक्स हुआ, एक p के मिक्स हुए, तो तीन आएंगे आपके पास. यू विल गेट थ्री ऑर्बिटल्स और नॉट. तो ये शेप क्या बनेगी, ये अपने आप को इतनी दूरी पे रखेंगे, 120 डिग्री. दिस इज बोरोन, दिस इज बोरोन ऑर्बिटल. समझ आ रही है, वेलेंस शेल के जो हाइब्रिडाइजेशन गए हैं. अब दीज आर फ्लोरीन, फ्लोरीन ने अब एक ही बॉन्ड बनाना है. तो ये फ्लोरीन का पी में पड़ा है, यू नो फ्लोरीन क्या होता है, 2s2 2p5.
पी का जो ये पड़ा है बेटे, ये 2pz में पड़ा है, ये z है, ये z अनहाइब्रिडाइज्ड है, और सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2pz ही बनाता है। समझ आ रही है? 2px 2py सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, अब z ही शो करते ज्यादातर, क्योंकि z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पड़ा होता है। व्हाट द पॉइंट? सो दिस इज फ्लोरीन। तो हमारी शेप क्या आई अब? व्हाट इज द शेप वी आर गेटिंग? ट्रायगोनल पिरामिडल है, इट इज ऑन द प्लेन। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसकी शेप क्या होगी? sp2 की ट्रायगोनल प्लेनर। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो वी शेप, वन लोन पेयर विल बी देयर वी शेप। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन, मैं एस वो एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें ली है SO2। अब इसको हम VBT से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब SO2 देखो आप, SO2 में आपके 2s2 है, 3s2 है, ये है, यही है ये। अब SO2 आप बनाते कैसे हो? दिस इज लाइक दिस, ऐसे बनाते हो ना SO2। एक लोन पेयर बचता है और बाकी बॉन्ड्स बनाते हैं, एक लोन पेयर बचता है और बाकी क्या बनते हैं बेटे? बॉन्ड्स बनाते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, हमारे पास दो अनपेयर पड़े, मान लो एक ये बॉन्ड बन गया, एक ये बन गया, पर टोटल हमने 4 बॉन्ड्स बनाने, 2 इधर हैं, 2 बॉन्ड्स इधर हैं, तो हमें टोटल अनपेयर कितने चाहिए? टोटल अनपेयर कितने चाहिए? 4। तो अगर मैं यहां से इसकी एक्साइटेशन करवा दूं यहां पे, तो अब ये क्या बनेगा? 3s2 को नहीं छेड़ रहे हम, 3s2 को नहीं छेड़ रहे हम, ठीक है। हमने क्या किया, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, थ्री पी में से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 3d में। समझ गए? इतनी बात समझ आई? अब ये लोन पेयर है, ये 3s के लोन पेयर नजर आ रहे हैं, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। कितने अनपेयर नजर आ रहे हैं हम अभी? 1 2 3 4। सिर्फ पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, सेकंड बॉन्ड पाई होता है। मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था, पाई बॉन्ड जो बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनता है, कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में नहीं बनता। समझ गए? इतनी बात समझ आ रही है? अब हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 है ना, और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जाएगा sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जाएगा? ये जो 2 पी और पी में और डी में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब हुआ क्या, सल्फर क्या गया बेटे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से समझो, विल बी कंटिन्यू इन क्लास 12, ओके। सो इट विल गो इनटू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसमें से 3 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन चलेगी, बाकी 2 आना हाइब्रिडाइज रह गए। बेटे जरूरी नहीं है कि सारे हाइब्रिडाइजेशन जाएं, डिपेंडिंग कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे। एस में तो जाना ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन एस के बिना नहीं होती,
कभी भी आप सुनोगे एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी टू, एस में तो हाइब्रिडाइजेशन जाना ही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना होता है कितने सिग्मा बॉन्ड है, देर आर टू सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड, ये एक एस, ये एक एस और ये दो सिग्मा बॉन्ड, ये दो, ये हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे और ये तीन ऑर्बिटल देंगे, तो एक येरा ऑर्बिटल, एक येरा और एक येरा, जैसे पहले बनाया था हमने। ये तो लोन पेयर रह गया, ये लोन पेयर रह गया जो 3s2 में पड़ा, ये तो रह गया लोन पेयर, लोन पेयर रह गया। अब ये जो रह गए हैं जिसमें एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है अभी ऑक्सीजन के साथ, लेट मी फॉर्म ऑक्सीजन नाउ, यहां पे एक ऑक्सीजन में यहां बना रही हूं बेटे, एक ऑक्सीजन यहां पे, दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, 2s2 2p4, यहां पे ऑक्सीजन क्या है, 2s2 2p4। अब स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है कि एक दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो मींस एक ये वाले के साथ ओवरलैप करेगा, इसका एक ये वाले के साथ ओवरलैप करेगा, कर गया। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा बचा, और इसके पास क्या बचे, दो अनहाइब्रिडाइज्ड बचे। ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड जो बचे, इसके साथ और इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड है जो फर्स्ट वाला है, और ये वाला ये सेकंड पाई बॉन्ड बना रहा है। इन द सेम वे ये वाला जो फर्स्ट बना रहा है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हैं वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटे, जस्ट इट इज फॉर्मड इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि पाई ने साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी है, पी ने इसकी पी के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी है। जिन्होंने साथ साथ सुना है क्लास में, दे विल गेट टू नो। यस समृद्धि मैम, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड बेटे, दिस इज वन ऑक्सीजन, दिस इज अनदर ऑक्सीजन, दिस टू ऑक्सीजन आर अटैच्ड विद दिस सल्फर, फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, ईच ऑफ देम इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, इन द डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा, अदर इज पाई, वन इज सिग्मा, अदर इज पाई। नाउ व्हेन इट विल गो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस s इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, these two p's will form sigma bond with one oxygen and with other oxygen, getting samriddhi? Yes, ye iska p hai, ye 2p4 oxygen bhi 2p4, ye bhi 2p4 hai, iske paas bhi do unpaired hai, iske paas bhi do unpaired hai, isne ek, ये जो P हाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑक्सीजन ने एक P हाइब्रिडाइज के साथ ओवरलैप किया, जैसे इस ऑक्सीजन ने सल्फर के एक P के साथ हाइब्रिडाइज्ड किया, जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड P और D रह गए, जो अनहाइब्रिडाइज्ड P और D रह गए, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल अब इनके साथ ओवरलैप करेगा और बनाएंगे पी पाई, से कहेंगे पी पाई, इसे बोलोगे पी पाई डी पाई, क्योंकि ऑक्सीजन का एक का पी दूसरे के सल्फर के साथ पी के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन का एक का पी सल्फर के डी के साथ ओवरलैप कर रहा है, सो वन बॉन्ड इज नोन एज पी पाई, अदर बॉन्ड इज नोन एज पी पाई डी पाई। Got the point?
नाउ ये कंसेप्ट को आगे हम लेके जाएंगे जब रेजोनेंस पढ़ोगे. यू हैव हर्ड अबाउट रेजोनेंस. तो ये जो हाँ ये जो बॉन्ड्स हैं बेटे ये रेजोनेंस में रहते हैं क्योंकि कभी ये पी पाई बनाएगा, कभी ये पी पाई डी पाई बनाएगा, कभी ये पी पाई डी पाई बनाएगा, कभी ये पी पाई बनाएगा. अब इसमें भी ये क्या आ गया लोन पेयर, तो ज्योमेट्री विल बी वी शेप. दिस इज कॉल्ड एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन. Tomorrow we'll do sp3 then d.